इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ राम मंदिर निर्माण की तैयारी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जाना हाल। हनुमानगढ़ी व रामलला के दर्शन के बाद किया पौधारोपण। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। माना जा रहा है कि अब तैयारियों का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी। वह किसी भी समय राम मंदिर की आधारशिला रख सकते हैं। सीएम योगी आज गोंडा से अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 1.25 घंटे लेट पहुंचे। वजह थी मौसम काफी खराब था। अयोध्या एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के साथ कमिश्नर एमपी अग्रवाल, आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता, डीएम अनुज झा व एसएसपी आशीष तिवारी ने अगवानी की। उसके बाद सीएम सीधे योगी कोविड हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। उसके बाद वे सर्किट हाउस में जनपद के पांचों विधायक व सांसद लल्लू सिंह के साथ अयोध्या के विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ साथ कमिश्नर एसपी अग्रवाल, आईजी संजीव गुप्ता, डीएम अनुज झा व एसएसपी आशीष तिवारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि अयोध्या में हो रहे कार्य जितने भी अधूरे पड़े हैं उन्हें जल्द पूरे कर लिए जाएं। इसके साथ ही संभावित बाढ़ में बचाव को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सर्किट हाउस में बैठक लगभग 1 घंटे चली। बैठक के बाद वे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत गोपाल दास पर उनके आश्रम पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वे हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पर पहुंचकर रामलला का दर्शन किया। उसके बाद परिसर में बने नक्षत्र वाटिका में पौधारोपण भी किया। राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के बाद ट्रस्ट के सदस्यों से राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर विचार विमर्श भी किया। माना जा रहा है कि अब जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी जाएगी। अयोध्या से नौशाद आलम की रिपोर्ट।